कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कोरोना महामारी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, पूरा देश और प्रदेश संकट से गुजर रहा है, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद ने जिला मुख्यालय पर आकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और 5 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना अस्पताल के वायरल वीडियो में वहाँ भर्ती मरीजों में साफ सफाई, दवाइयाँ, खाने आदि को लेकर काफी रोष जताया गया है। मरीजों की देखरेख के लिए नियमानुसार से व्यवस्था कराई जाए, साथ ही लापरवाही बरतने वाले प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही की जाए। जनपद में बहुत से और अच्छे प्राइवेट अस्पताल हैं, उन्हें चिन्हित कर उनका नियमानुसार सहयोग लिया जाए, जिससे सरकारी अस्पतालों में बोझ कम पड़ेगा। कॉलेज और स्कूलों की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई जाती है, कृपया कर इनकी फीस आधी की जाए, जिससे कॉलेज और स्कूल प्रबंधन अपने प्रोफेसर व अध्यापकों को समय से वेतन दे सके। पूरे जनपद क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर जहां तहां गड्ढे हैं, बारिश के मौसम को देखते हुए इनके मरम्मत कार्य जल्दी कराया जाए। लेकिन ज्ञापन देते समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोरोना काल में सरकार की तरफ से गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। लॉकडाउन के अंदर सरकार ने, आज आपने पेपर में देखा होगा, एक व्हाट्सएप पे मोदी जी अपने कान के अंदर एक किसी पेंसिल से उंगली मार रहे हैं, इसका ना कान की सुनाई कम पड़ रही है। चार महीने के दौरान बच्चे स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, उनसे मनमानी फीस ली जा रही है, फीस नहीं दे रहे तो उनको ऑनलाइन उसको वो नहीं कर रहे, रजिस्टर नहीं कर रहे, किताबें का कोई इस्तेमाल नहीं है, किताबें उन्होंने कंपलसरी कर दी है, ड्रेस उन्होंने कंपलसरी कर दी है। 4 महीने के दौरान जो व्यापारी भाई हैं उनके प्रतिष्ठान बंद रहे हैं, और बिजली का जब बिल आया है तो पहले से ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि सरकार जो कोरोना में या दाएं बाएं जो पैसा खर्च हो रही है वो हम पे टैक्स लगा रही है। इससे अच्छा तो यही है कि वो हर मतलब हर भाई पर कोरोना टैक्स लगा दे, हमें कोई देने को परेशान नहीं। लेकिन इस प्रकार से अगर लूटमारी की जाएगी विभागों के द्वारा तो कांग्रेस पार्टी छुपनी भेजेगी, सड़कों बनाएगी, और पहले भी 3-4 लिखे मुकदमे वो और लिखते, हमें कोई इसको परेशान नहीं। हमसे पहले, हम इसलिए ये कह रहे हैं मुकदमे के लिए, हमसे पहले तीन और राजनीतिक पार्टियों ने ज्ञापन दिए, उनके साथ ऐसा नहीं था, लेकिन कांग्रेस के साथ ही ऐसा क्यों मतलब आपका व्यवहार किया जाए। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के जाति अनुसूचित जाति के अध्यक्ष आपके आलोक सिंह जी आपके मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, और वो अपने मतलब विभाग के